वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अमेज़न पे यूपीआई में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है और इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अमेज़न पे यूपीआई में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको जो भी ऑर्डर पे यानी बुक करते हैं, अगर आप अमेज़न पे यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% या 15% आपको कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा, यानी कि आपका डिस्काउंट उतना हो जाएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना अपना अमेज़न अकाउंट, यानी आपको एप्लीकेशन पे चले जाना है। इससे पहले आपको लेफ्ट साइड में थ्री कॉर्नर पे इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अमेज़न पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको अभी फीचर्स के बारे में अभी बताऊँगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इसमें खाली बता रहा हूँ अमेज़न पे यूपीआई में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को किस तरह से इसमें लिंक करते हैं और कैसे पेमेंट कर पाते हैं इसमें। तो अमेज़न पे में आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़न पे लिखे आ रहा है और यूपीआई यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके क्या है, नो केवाईसी रिक्वायर्ड होता है, इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है भीम यूपीआई के माध्यम से, और स्कैन एनी यूपीआई कोड आप करते हैं, सेंड मनी और पे और अमेज़न, इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं गेट स्टार विथ अमेज़न पे यूपीआई कैशबैक पे यूजिंग अमेज़न पे यूपीआई ऑन अमेज़न एंड गेट एक्साइटिंग कैशबैक मनी ट्रांसफर एनी शॉपिंग और मोर, यानी आप मनी ट्रांसफर भी करते हैं तो आपको 100% आपको कैशबैक मिलता ही मिलता है, और शॉपिंग करते हैं तो 100% आपको इसमें कैशबैक मिलता है। तो इसमें सेटअप करने के लिए क्या करता है कि आपको आपके बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आपका दोनों सिम दिखा जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि एक मेरा एयरटेल है एक मेरा जियो है, तो मेरा जो बैंक में लगा है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा एयरटेल लगा है और इस पर प्रोसीड पे मुझे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे बैंक से कनेक्ट होने लगेगा कि यहाँ पे वेरीफाई आप देख सकते हैं 15 जो मेरा बैंक में कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा बैंक दिख रहा है, मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं वेरीफाइड हो गया है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लैंक मैंने ब्लर कर दिया है और यहाँ पे मैं एक बैंक ले लेता हूँ जो मेरा लिंक है। तो यहाँ पे मुझे लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा और रिटेल बैंकिंग जिसमें मैंने जस्ट क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक हो चुका है चूज योर, यानी आपका ये मुझे सक्सेसफुली का मैसेज आ भी गया है। आप देख सकते हैं मैसेज सामने दिख रहा है अमेज़न पे यूपीआई आईडी और ईमेल भी जस्ट अभी अभी आ चुका है। यहाँ पे जस्ट मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा अमेज़न पे यहाँ पे आप देख नहीं रहा, दोबारा से मैं जाता हूँ और अमेज़न पे पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अमेज़न पे पर मेरी यूपीआई आईडी दिख रही है बट मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी पे काफ़ी सारे दिक्कत हो जाती है मोबाइल नंबर दिखाने से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहले गेट स्टार लिखा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मेरा यूपीआई आईडी, और इसको अगर लॉगिन करता हूँ इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ देखेगा कि मेरा बैंक दिख रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं अपना मोबाइल नंबर शो नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ पे खाली थोड़ा सा ब्लर कर दिया है और सारे फीचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अमेज़न पे यूपीआई आईडी में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप प्ले लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो अगर कोई आपको समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए, और आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं तो मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू गाइस।